हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि टैली में काम करते वक्त ही टैली आपको एक आउटस्टैंडिंग फीचर देता है। उस फीचर का नाम है कैलकुलेटर। कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप परचेस के लिए एंट्री पास कर रहे हैं या सेल के लिए एंट्री पास कर रहे हैं, तो जहां भी आप एंट्री पास कर रहे हैं तो वहीं पर आप यूज कर सकते हैं, या गेटवे ऑफ टैली पर भी यूज कर सकते हैं। इसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तरीका क्या है, कैसे यूज करेंगे, शॉर्टकट ही क्या है, आपको सीधा कंट्रोल और एन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते ही ये देख सकते हैं नीचे एक छोटा सा कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस करना चाहता हूँ, तो ये लिखा मैंने 60, माइनस कितना माइनस करना है, तो इसमें से 6 माइनस करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 99.56 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये काम आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये सिर्फ सेल्स वाउचर की बात नहीं है, किसी भी वाउचर में आप काम करते रहेंगे तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। खाली आपको शॉर्टकट की याद रहे, कंट्रोल एन। ठीक है, अब यहां से मैं बाहर आता हूं। अगर इसको ऑफ करना, देखिए एक ये भी समस्या रहती है कि ये आप इसको अब ऑफ करना चाहते हैं, काम हो गया, तो वापिस से कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए यही चीज आपको गेटवे ऑफ टैली पे करनी है, तो सीधा कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, गेटवे ऑफ टैली पे यही चीज ओपन हो जाएगी और यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है यहाँ पे आसानी के साथ आप कर पाएंगे। देखिए इस बार मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए डिवीजन का रिजल्ट भी आ गया है। तो बड़ा आसान है, और इस फीचर को के बारे में अगर आप जानते हैं तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है टैली आपके लिए। ओके, थैंक यू।